प्राइस पर मौजूद व्यक्तिगण हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े गणमान्य व्यक्तिगण कोर्ट कार्यकारी और शैक्षणिक परिषद वित्त समिति के सदस्य शिक्षण और गैर शिक्षण बिरादरी मेरे प्रिय छात्र छात्राओं महिलाओं और सज्जनों कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में भवनों के उद्घाटन के इस ऑनलाइन वीडियो सम्मेलन के दौरान धन्यवाद प्रस्तावित करने में मुझे अत्यंत हर्षोल्लास हो रहा है। सबसे पहले मैं हमारे सम्मानित शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। माननीय महोदय, आप पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों और परिवर्तनों के पीछे की ताकत है। आपने हमारे देश भारत को ऐतिहासिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ आगे बढ़ाया है और एक महत्वपूर्ण सुझाव आपके नेतृत्व वाले मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्री से शिक्षा मंत्रालय में बदलना है। जैसा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हूँ, मैं ये शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भविष्य के शैक्षणिक परिदृश्य के बारे में बहुत उत्सुक और आशावादी हूँ, खासकर उच्च स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को लेकर। आप बड़ी संख्या में किताब प्रकाशन करने वाले एक राजनीतिक नेता हैं। आप मूल रूप में एक शिक्षाविद हैं जिनके काम का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। आप शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर महामारी प्रभावित युग में हमें शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन के नवीन तरीकों से आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी उस समय जब संपूर्ण जीवन में एक ठहराव सा आ गया है। महोदय, हम आपका बहुमूल्य समय निकालने आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमेशा से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम श्री संजय धोत्रे जी, जो कि व्यवसाय से न सिर्फ एक इंजीनियर और व्यापारी है बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे नेता भी है, सर आपने शिक्षा राज्य मंत्री के नाते इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने में सहमति दी है और हमें समय समय पर निर्देशित किया है। धन्यवाद महोदय। कर्नाटका के डिप्टी सीएम और कलबुर्गी जिला के प्रभारी मंत्री श्री गोविंद कारजोल जी, हम मानव संसाधन के से संबंधित बात करते हैं तो आपका ख्याल आता है। मैंने ये देखा था जब आप विधानसभा में कलबुर्गी जिले के की चिंताओं को दूर करने के लिए ऑल पार्टी विधायक की मीटिंग बुलाई थी तो आपने सभी प्रतिनिधियों से बहुत ही प्रेम से व्यवहार किया था और समस्याओं का निवारण करने की कोशिश। ಈಗಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಪ್ಪಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ ಹೇಗಿದೆ, ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ಹಾಗೆಯೇ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಭಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ D7 ಇಂದ D23 ವರೆಗೆ, ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾಂಗಣಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎರಡು OBC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಪೋಖ್ರಿಯಾಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಗೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. आज जिन भवनों का उद्घाटन होने जा रहा है, बहुउद्देशीय भवन, अतिथि गृह, जल भंडारण की सुविधाओं में 20 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी, छात्रों के लिए 200 की क्षमता वाले अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास भवन, छात्राओं के लिए 200 की क्षमता वाले अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास भवन, जल भंडारण की सुविधाओं में 1.2 लाख क्यूबिक मीटर की क्षमता वाला तालाब, स्कूल भवन खंड D7 से D23 तक और 350 सीटों की क्षमता वाले सभागार 2. इन भवनों का उद्घाटन आज आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय मंत्री शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आज उनके कर कमलों से इन भवनों का उद्घाटन किया जाएगा. धन्यवाद. हेलो. हाँ I'm happy to share that the Honorable Minister of Education has already joined us. He is at his residence in front of the camera, and they are giving our program. Very shortly he is going to come online. Till then we are just giving you clear regarding the building and regarding the program. We are fortunate enough to have our Minister of State, Honorable Dhotre sir, with us. Our Chancellor who is chairing the session, Honorable N.R. Shetty, he is also there. We have got Professor H.M. Maheshwariya sir, Honorable Vice Chancellor of the NST, Professor G.R. Naik sir, and all the people, many people have joined online. Only in COVID guidelines, sir, we are শোনা আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দিচ্ছি. College goal for the candidates and three people are sitting in the auditorium here, and most of them have joined school name. Thank you.
नमस्कार मंत्री महोदय नमस्कार। कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय कलबुर्गी में आज श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार जी के कर कमलों से विविध भवनों का उद्घाटन होने जा रहा है। भवनों के उद्घाटन के बाद ऑनलाइन वीडियो सम्मेलन में आप सभी का स्नेहपूर्वक अभिवादन करता हूं। अब मैं अर्थात कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय की हिंदी अधिकारी श्री मैडम, आदरणीय श्री पोखरियाल निशंक जी, माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, आपसे कार्यक्रम के शुभारंभ की अनुमति चाहती हूँ। उद्घाटन समारोह के मंत्री महोदय आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं अर्थात कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय की हिंदी अधिकारी रेशमा नगा, आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से, माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, आपसे कार्यक्रम की शुभारंभ की अनुमति चाहती हूँ। शुरू करें। धन्यवाद महोदय। उद्घाटन समारोह के इस पावन अवसर पर अब परिचय एवं स्वागत का समय है, अतः मैं आदरणीय संकुलपति महोदय प्रोफेसर जी आर नायक जी से निवेदन करती हूँ कि वे अतिथि महोदय का परिचय एवं सभी का स्वागत करें। आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, आदरणीय श्री संजय धोत्रे जी, शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार, आदरणीय कुलाधिपति, आदरणीय कुलपति, कोर्ट के सामान्य सदस्य, अकादमिक परिषद के सदस्य, कार्यकारी परिषद के सदस्य, कलबुर्गी और बीदर निर्वाचन क्षेत्रों के सांसद और विधायक, स्थानीय प्रशासन के सदस्य, डीन, विभाग अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, शिक्षाधिकारी, संकाय सदस्य, विश्वविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारी सदस्य, सभी आमंत्रित देवियों और सज्जनों एवं प्रिय छात्र छात्राओं, आज कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में नवनिर्मित भवनों का ऑनलाइन उद्घाटन
माननीय मंत्री शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के कार्यक्रम द्वारा होने जा रहा है। मैं सर्वप्रथम इस समारोह के उद्घाटक श्री आदरणीय रमेश पोखरियाल जी निशंक जी का माननीय मंत्री शिक्षा मंत्रालय का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने कोविड 19 के इस मुश्किल दौरे के बावजूद हमारा निमंत्रण स्वीकार करने का कष्ट किया, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। आप वृत्ति से शिक्षक रह चुके हैं, आप एक लेखक भी है, अपनी कहानियां और उपन्यासों को लिखा है, आपकी कृतियां का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अपने भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के हेतु बहुत सारे सराहनीय प्रयास किए हैं जो अनुकरणीय है। ऐसे शिक्षाविद, लेखक, विद्वान व्यक्ति हमारे शिक्षा मंत्री है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय जी श्री संजय धोत्रे जी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा राज्य मंत्री हैं। आप नई शिक्षा नीति 2020 के संबंधित बहुत सारी गतिविधियों से जुड़े हैं। आप सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आपका भी मैं समारोह में हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। अब मैं श्री गोविंद कारजोल जी, अब कर्नाटक सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री है, जिला प्रभारी मंत्री है, आपका इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप चीफ मिनिस्टर के साथ होने की वजह से कार्यक्रम में जुड़ नहीं सकते हैं, आपने कार्यक्रम को शुभेच्छा दी है, मैं आपका आभारी हूँ। श्री भगवंत खूबा जो माननीय संसद सदस्य आप जाने माने नेता है, सांसद है, आप इधर से है, आपके द्वारा सूत्रपात्र किया गया प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना से पूरा देश प्रभावित हुआ है, आपका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। डॉक्टर उमेश यादव जो माननीय संसद सदस्य लोकसभा, आप कलबुर्गी क्षेत्र के सांसद है, आप वृत्ति से डॉक्टर है, इस कारण आप हमेशा स्वास्थ्य के संबंधित नए नए गतिविधियों को संबोधन करते आए हैं। आपके ही मदद से विश्वविद्यालय में कोविड 19 प्रयोगशाला की स्थापना हो चुकी है। आपका इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका स्वास्थ्य न होने के बाद भी आप ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं, मैं इसका स्वागत करता हूँ। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा सदस्य है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के कर्ता धर्ता है, उनके अथक परिश्रम से यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। आप समय समय पर हमारे मार्गदर्शन करते रहते हैं, मैं आपका ही समारोह से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप अपने काम में व्यस्त होते हुए आज आप इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन आपने ये प्रोग्राम को शुभेच्छा दी है, हम आपको आपका आभारी है। अब मैं श्री सुभाष गुत्तेदार जी माननीय विधायक आनंद का इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्थानीय समस्याओं के लिए निवारण करने के लिए आप सदैव तत्पर है। ये समारोह के अध्यक्ष और कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय कलबुर्गी के माननीय कुलाधिपति प्रोफेसर एन आर शक्ति जी, आप बेंगलोर विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, आप एनआई के सुरक्षा के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, ऐसे शिक्षाविद हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होने का हमारा सौभाग्य है। माननीय कुलाधिपति शैक्षणिक कार्यक्रमों में सदा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर एच एम महेश्वरैया जी कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, आप देश के जाने माने भाषा वैज्ञानिक है, विश्वविद्यालय की उन्नति के उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पिछले 5 वर्ष में अपने इस अवधि में उन्होंने जो कार्य किया है वो सराहनीय है, उनके कारण ही विश्वविद्यालय को नया आयाम मिला है। हमारे माननीय कुलपति महोदय दूरदर्शी नेतृत्व रखने वाले व्यक्ति है, आपका भी इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो कि इस समूच समारोह के कर्ता धर्ता है। माननीय कुलपति महोदय के कारण ही आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अंत में मैं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और यहाँ उपस्थित सभी कोर्ट के सामान्य सदस्य, अकादमी परिषद के सदस्य, कार्यकारी परिषद के सदस्य डॉक्टर अजय सिंह, विधान परिषद के सदस्य श्री सुनील वल्लापुर, विधान परिषद के सदस्य श्री बीजी पाटिल, विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर साहिबाना तलवार, कलबुर्गी जिला परिषद के अध्यक्ष हैं जो हमारे सामने आज बैठी है श्रीमती सुवर्णा हनुमंत राय माला जी, आनंद तालुका पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती नागम्मा अशोक गुत्तेदार, सभी विभाग के डीन, विभाग अध्यक्षों, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, संकाय सदस्य, विश्वविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारी सदस्य,
सभी आमंत्रित देवी और सज्जनों एवं प्रिय छात्रा छात्र छात्राएं सभी समारोह में सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के भवनों का निर्माण करने वाले राइट सीपीडब्ल्यूडी और मुख्य प्रशिक्षित के सदस्यों का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस विश्वविद्यालय के समारोह में निरंतर प्रवेश करने वाले हमारे संचार माध्यम के बिंदु इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी मित्रों का इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್ ಎಂ ಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಪೋಖ್ರಿಯಾಲ್ ನಿಶಾಂಕ್ ಜಿ, ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ಧೋತ್ರಿ ಜಿ, ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಬೆಲೋಟ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈ ಕೋ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅವರ್ ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಪೋಖ್ರಿಯಾಲ್ ನಿಶಾಂಕ್ ಜಿ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಹಿ ಹೈಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ and 5 times he is elected as a member of legislative assembly from Karnaprayag constituency of Uttar Pradesh, Uttarakhand. He served as a chief minister of Uttarakhand from 2009 to 2011. He is a well-known literary scholar and popular writer of India, published 44 books. He authored varieties of books including novels, short stories, poems and literary criticism. Many of his books are translated to English and other Indian languages. He is a recipient of many prestigious national awards. Sir, we are very fortunate to have you as an inaugurator of our university buildings. As a minister, you are instrumental in changing the education scenario of the country. New Education Policy 2020 is a testimony of your transformation of school education and higher education, sir. We have encouraged all the vice chancellors of the country, particularly online examination and online teaching by using digital technology. Today is an important day for this 10-year-old, the newly established university. Our university made a name in the country because of its phenomenal progress in infrastructure and academic excellence among the newly established central universities in India. We have constructed 1,40,000 square meters of buildings at the rate of 2,800 rupees per one square meter. This is the lowest rate when compared to other new universities in India. So far, we have recruited 116 teaching faculty following academic excellence and diversity. Because of this best practice performance, so we are going to get the, already we have got the from project mode to the annual mode. We have a digital campus with 90 hotspots, established a very good library facilities with a sophisticated softwares accessible to knowledge world with MHRD assistance. We have accredited NAC B++ in 2015. Now we are competent to get A grade. Sir, we have started Braille Resource Center for visually impaired students of this region. We have Center for Endangered Languages and Center for Classical Kannada by the financial assistance of Ministry MHRD and University Grants Commission. Respected Minister Sir, we have implemented a National Academic Depository and Samarth Digital Initiative from MHRD. MOOCs programs are effectively initiated in this university. We stand fifth among the all the central universities in India. Recently, MHRD sanctioned 132 crore rupees under the HEFA to construct 2 big hostels with a capacity of 500 students each, classroom complex, engineering laboratory, innovative research lab, purchase of sophisticated research instrument worth of 45 crore rupees. Work is in progress. HEFA grants will help for the our SCST students, economically weaker sections of India. HEFA work is already has been started in this university.
To achieve the quality of education would require a large scale of technological expansion. Already we have started online teaching according to mandate of MHRD and UGC. So 80% of online examinations is over, sir. In 1 week, we are going to declare the whole results of all the students who are studying this. Within 10 days, we are going to announce all the results. Response from the students are very good. And we have witnessed 100% of attendance in the pandemic situation also. Sir, we have 1,980 students from 28 states of India. This year again, we have 70,000 students applied for admissions for 800 seats. This strength is the second highest among the 17 new universities established in India. Sir, some of our students are selected to the world-class research institutes in Western University for PhD program. Respected sir, we are not only transferring accredited NPTEL MOOCs, we are also started transferring from foreign universities. We started the community college and sugar technology and food processing by the assistance of Government of India, accepted to give a grant, and also we are starting the skill development department here. And our life science department is starting the COVID research laboratory, already started. We are testing the COVID the patients, and the recently our honorable the MP Umesh Jadavji is an instrumental in providing 84 lakhs grants for district administration. Shortly, within 2-3 days, we are starting the COVID the research center also. Sir, our university area comes under 371J as a backward area. There is a severe water problems and in summer time. However, we are harvesting the water from all the buildings constructed, a water pond with a storage capacity of 1.2 lakhs cubic meters, and you are going to inaugurate today. Sir, we have planted 30,000 trees with the assistance of the Forest Department, Government of Karnataka, and we entirely converted the LED bulbs to our university, and with the assistance of 1.2 crore rupees, we are already producing 450 kilowatts of solar energy. Sir, our university intends to cultivate the knowledge with the wisdom and competence with the values of morality and right conduct. Our visitor and the former Honorable President of India, Sri Pranab Mukherjee, visited our university and appreciated its achievements. Sir, so far we have spent 350 crore rupees for the construction of administrative building, 23 academic blocks, 4 boys hostel and girls hostel, 40 teaching and 90 non-teaching quarters, with 2 electricity substation and 1 biofuel the unit and 2 STP units, sir. Recently, I'm very happy because of my chancellor intervention, we got the 10 acres of land in the very precious land in Bangalore University, sir. This is worth of 1,500 crores. So in Bangalore, we are going to start the microwave and optoelectronic center of excellence, which helps to the defense of India. Sir, respected Honorable Minister, sir, now you are going to inaugurate the, I'm very happy that on behalf of my all students and teaching and non-teaching faculty, I'm fortunate to have you in this historic inauguration function, sir. On behalf of the court, executive council, academic council, and the other statutory officer and leaders of the state and the government of India and public, I'm requesting you to inaugurate the multi-purpose hall. That is 2,937 square meters, we spent 5 crore rupees. The guest house, 3,716 square meters, costing 9.76 crore. The water storage dump and 20 lakhs liter of the water we are storing because of the water problem, that is costing 1.10 crore rupees. OBC boys hostel and OBC girls hostel, so the totally we spent, that is the construction, 2,800 square meters, and we spent 7.8 crore rupees for that. Sir, respected sir, and we constructed a small pond here, the storing capacity of 1.2 lakhs cubic meters, and we spent 2 crore rupees. And the academic campus, the complexes, 2015, the Honorable Minister then, he inaugurated the D1 to D7, our administrative block. Now, Honorable Minister, sir, you are going to inaugurate 37,689 square meters of the buildings, very precious, very well-established buildings, costing 76.33 crore rupees, sir. So, for this, the Mahagavkar, our consultant in India, writes
Mukesh Associates, Central Public Work Department's officials who are responsible for constructing these buildings. Thank you one and all for witnessing this historic the function. Thank you very much for giving this. धन्यवाद कुलपति महोदय। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय श्री संजय धोत्रे जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस अवसर पर कुछ शब्द कहें। आदरणीय श्री संजय धोत्रे जी। नमस्कार, मैं सीनियर कलीग एंड ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, गोविंद करजोल जी ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, फ्रॉम लोकसभा श्री भगवंत खूबा जी, डॉक्टर उमेश यादव जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, रिस्पेक्टेड चांसलर, वाइस चांसलर, को वाइस चांसलर, मेंबर ऑफ द कोर्ट, मेंबर ऑफ द एकेडमिक काउंसिल, मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ऑनरेबल एमएलए फ्रॉम कर्नाटका श्री सुभाष गुत्तेदार जी, श्री अजय सिंह जी, ऑनरेबल एमएलसी फ्रॉम कर्नाटका श्री सुनील वल्लापुर जी, श्री डीजी पाटिल जी, श्री चंद्रशेखर पाटिल जी, श्री भाईवाना तलवार जी, अदर सीनियर लीडर प्रेजेंट फॉर दी फंक्शन, फैकल्टी मेंबर्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, कर्नाटक केंद्र विश्वविद्यालय विविध कट्टरगळ उद्घाटना कार्यक्रमदल्ली नानु भागियागिरुवुदु ननगे अपार संतोषवन्नु तरीदे. It's my immense pleasure to be part of this inaugural program of various buildings of Central University of Karnataka. In a short span of time, this university is showing a promising pace of development in all fields. It has been our endeavor to provide excellent academic facilities and enabling infrastructure to our students and educational institutions across India. I congratulate the people of Karnataka and to all and extend my best wishes to the university. Quality education is a hallmark of every advanced culture and bedrock of nation building. Quality higher education is engine of national productivity. To achieve the Atmanirbhar Bharat as envisioned by our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we must try to have world class education rooted in the values of ethos of India, that is Bharat. Given the 21st century requirements, quality higher education must aim to develop good, thoughtful, well rounded and creative individuals. Education is not just about acquiring bookish knowledge. It is about acquiring knowledge with the rational thinking, scientific temper. It's also about imbibing the values of empathy, mutual respect, spirit of teamwork and cooperation. It is also about instilling the basic values which our constitution has given to us. This will ensure truly Ek Bharat, Shrestha Bharat. And to achieve this, under the leadership of our visionary Prime Minister Shri Narendra Modi ji and with the continuous support and leadership of Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, we have just announced our national education policy. It guides us for achieving high quality education rooted in Indianness and maintaining the quality of education world class. It has given the much needed flexibility to our higher education system while introducing the concept of academic credit, transfer, flexible entry and exit with a focus towards research and innovation. Through National Research Foundation, this multidisciplinary approach in higher education will give students a choice for selection of subjects. It envisions to make our India a global knowledge superpower, and I am sure its effective implementation by our higher education institution like this university will make this happen in minimum possible time. Karnataka is the land of Santa Basaveshwara. This is the land of Rani Chennamma and
can say our founder of modern India, Sri Mokshagunda Visveshwaraya. This land has produced excellent thinkers, warriors, scientists, mathematicians, writers, engineers, philosophers, administrators, statesmen, and leaders who have become pride of India. I extend my best wishes to the university and urge them to strive to excel in every chosen field and produce illustrious successors of these illuminary Kannadigas. Congratulations once again to all of you. Sabko phir ek baar dhanyawad. Namaskar. Jai Hind. ಇದುವರೆಗೆ ಮೌಲಿಕವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ಧೋತ್ರೆ ಸರ್, ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಗ್ಲಿ ಹಬ್ಬ
डॉक्टर उमेश जी जाधव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब गुलबर्गा से संबंधित एक वीडियो दिखाया जाएगा, इसके लिए हम माननीय मंत्री शिक्षा मंत्रालय के श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से अनुमति चाहते हैं। महोदय अनुमति दीजिए। धन्यवाद महोदय। कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद कर्नाटक के क्षेत्र में कलबुर्गी में स्थित है। गुलबर्गा यह क्षेत्र बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक संरचना के साथ जीवंत है। शरण बसवेश्वर मंदिर, बसव कल्याण बीदर, बुद्ध विहार, ख्वाजा पंडित आदि प्रमुख हस्तियां अभी देख रहे हैं। अब भवनों का उद्घाटन होगा, अतः मैं भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के माननीय मंत्री जी आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से अनुरोध करती हूँ कि आप कृपया भवनों का उद्घाटन करें। माननीय मंत्री महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।
आप उसका एरियल व्यू देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भवनों के उद्घाटन करने वाले माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से सविनय प्रार्थना करती हूँ कि वो इस समारोह को संबोधित करें। आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। इस समारोह में उपस्थित मेरे सहयोगी और शिक्षा राज्य मंत्री जो विभिन्न विधाओं में जिनका मार्गदर्शन लगातार भारत की शिक्षा व्यवस्था को मिल रहा है, आदरणीय श्री संजय धोते जी, इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर एन आर जेठी जी, हमारे साथ जुड़े माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अधिकारी जी और अभी का सांसद हैं आदरणीय डॉक्टर उमेश जी, हम आपकी मानसिक प्रार्थना करते हैं श्री भगवान बुबा हमारे लोकप्रिय सांसद पीटर लोकसभा अजय जी मुख्य सचेतक और विधायक और विधायक सचिवगण, आज जिला पंचायत की अध्यक्ष सुवर्ण हनुमंतरी यहाँ पर यशस्वी कुलपति प्रोफेसर एच एम महेश्वरैया जी, कुल सचिव सभी डीन प्रोफेसर प्रति कुलपति और सभी विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यगण, सभी कार्य परिषद के सदस्यगण, सभी परिषदों के और इस विश्वविद्यालय से जुड़े सभी पारिवारिक लोगों का मैं आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अभिनंदन कर रहा हूँ। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप भी इस ऐतिहासिक अवसर पर जुड़े हैं, मैं आपको शुभकामना देने के लिए आपके बीच आया हूँ। हम सबके लिए ये गौरव के क्षण है कि हम एक ऐसा विश्वविद्यालय जो कर्नाटक की आशाओं का केंद्र है, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो भविष्य में कर्नाटक के विकास में और उसकी प्रगति में उसको पूरी दुनिया देश और दुनिया में उसकी गरिमा को बढ़ाने के लिए जो ऐसे छात्रों को, ऐसी छात्राओं को, ऐसे शोधों को जो निर्मित करेगा, जिससे न केवल कर्नाटक का बल्कि देश का गौरव भी बढ़ेगा। और ऐसे अवसर पर इस जो खूबसूरत भवनों का आज लोकार्पण हो रहा है, मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री येदुरप्पा जी और इस प्रदेश की जनता, कर्नाटक की जनता को बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ कि ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये निश्चित रूप में जिस गति से अपना काम कर रहा है, ये उस राज्य का शीर्ष सेंसर संस्थान के रूप में जो कर्नाटक की गरिमा को बढ़ाएगा, वहाँ की उत्कृष्टता को उठाएगा, जो वहाँ के छात्र के छात्र छात्राओं के
मन के अंदर समाई संपूर्ण शक्तियों को बाहर निकाल करके उसको मेरे देश की और मेरे कर्नाटक के विकास में एक मील का पत्थर बना करके खड़ा होगा। और इसलिए आज जो इस विश्वविद्यालय के तमाम भवनों का और विन विन, चाहे वो ऑडिटोरियम है, चाहे वो क्लास रूम है, और चाहे वो छात्रावास है, चाहे उधर तालाब के रूप में हो, विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के भवनों का आज यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है। और बहुत खूबसूरत जो हमने अभी पूरे परिसर का जिस तरीके से दर्शन किया है, इस विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटक का कितना खूबसूरत ये भवन बना है, उसमें खूबसूरत वहाँ का वातावरण है। और मुझे भरोसा है कि इस खूबसूरत भवन के अंदर खूबसूरत मन ऐसे पलेंगे, ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे उठेंगे जिसकी खूबसूरती, जिसकी सुगंध पूरी दुनिया में हलाजित होगी, जिसकी आभा से देश भी गरिमामय होगा। ऐसा मेरा भरोसा है कि विश्वविद्यालय अपने एक बहुत महत्वपूर्ण छाप को छोड़ेगा। मुझे जितना मैंने इस विश्वविद्यालय के बारे में देखा है, पीछे के समय में मैं भी सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को बहुत निकटता से देखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसका फैकल्टी का क्या योगदान हो रहा है, उसका छात्र किन किन स्थानों पर श्रेष्ठता प्राप्त कर रहा है, उसका शोध और अनुसंधान किस दिशा में जा रहा है। और मुझे आशा है कि ये जो कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये अपने मानकों के आधार पर, अपनी उत्कृष्टता के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, और जो ये नई शिक्षा नीति अभी आई है, इसके माध्यम से निश्चित एक क्रांतिकारी और परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि कर्नाटक की धरती ने हमारे देश को तमाम ऐसे महापुरुष दिए हैं जिनका नाम स्मरण करके हम गौरवान्वित होते हैं। अभी हमारे मेरे सहयोगी संजय धोत्रे जी ने बहुत सारे लोगों के नाम दिए हैं, उन्होंने जहाँ शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला है, वहाँ कर्नाटक की धरती पर पैदा होने वाले उन भारत माँ के तमाम ऐसे पुत्र पुत्रियों के बारे में भी कहा है जो देश का गौरव पूरी दुनिया में भी बढ़ाते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ ये विश्वविद्यालय एक ऐसा केंद्र बिंदु बनेगा जब सभी की आशाओं का ये केंद्र होगा। ये ऐसा केंद्र बिंदु बनेगा जब यहाँ से जो आभा निकलेगी, जो यहाँ से ज्ञान की गंगा निकलेगी, वो निश्चित रूप में जो मेरे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, मुझे एक नए भारत के निर्माण की जरूरत है, जो स्वच्छ भारत हो, जो स्वस्थ भारत हो, जो सशक्त भारत हो, जो समृद्ध भारत हो, जो आत्मनिर्भर भारत हो, जो श्रेष्ठ भारत हो, जो एक भारत हो। तो ऐसे श्रेष्ठ और एक भारत के लिए उसकी बुनियाद जो नींव है वो यहीं से शुरू होगी, इन्हीं विश्वविद्यालयों से शुरू होगी। इस नई शिक्षा नीति जो हमारी 2020 आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये उसकी आधारशिला बनेगी। और मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर इस शिक्षा नीति का व्यापक समर्थन मिल रहा है, शायद ये पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसको 99% लोगों ने चट्टान की तरह खड़े होकर के इसका स्वागत किया है। और स्वाभाविक भी है कि कौन राज्य नहीं चाहेगा कि उसकी जो प्रतिभाएं हैं वो निखर करके बाहर आए, उसके बच्चों का समग्र विकास हो और हर क्षेत्र में वो एक नया आयाम, एक नई रचना स्थापित करे। और इसलिए न केवल इस देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे देशों ने अभी ये कहना शुरू किया है कि हम भी भारत की शिक्षा नीति को अपने देश पर लागू करना चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने ये शिक्षा नीति को बनाया है। तो ये इस शिक्षा नीति की बहुत खूबसूरती है, जो स्कूल के बच्चे 3 वर्ष के बच्चे से शुरू होती है और ये उच्च शिक्षा तक जाती है, शोध और अनुसंधान की दिशा में उसकी प्रखरता को लाती है। उच्च शिक्षा में भी मेरे छात्र छात्राओं, आपके लिए पूरा मैदान खाली है, आप किसी भी विषय को ले सकते हैं, किसी भी विषय के साथ किसी भी विषय को ले सकते हैं, आप विज्ञान के साथ साहित्य को ले सकते हैं, आप इंजीनियरिंग के साथ संगीत को ले सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, आप अपने मन के राजा हैं। किस क्षेत्र में आप
सिंह से प्रगति करना चाहते हैं, पूरा मैदान आपके लिए, पूरी दुनिया आपको निहार रही है, और आप जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, जिस विषय को भी लेकर के आगे चलना चाहते हैं, आपके लिए पूरा मैदान खाली है। और इतना ही नहीं, यदि विवशता वर्ग किसी छात्र को बीच में भी छोड़ करके जाने की कभी ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो उसको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। कई बार कोई बीएससी कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है, दो साल में ये छोड़ने के लिए विवश होता है, तो उसको दो साल उसके बर्बाद नहीं जाएंगे, बल्कि पहले साल में उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि दो साल में छोड़ रहा है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, तीन साल में छोड़ रहा है तो उसको डिग्री मिलेगी। और इतना ही नहीं, यदि पीछे छोड़ करके जाकर के फिर अपना करियर को फिर शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी पूरी संभावनाएं हैं। हमने एक डिजी लॉकर बनाया है, एक क्रेडिट बैंक, अभी जो हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे थे, ऐसा क्रेडिट बैंक बनाया है जो सब कुछ आपके उस बैंक में जमा होगा। जब चाहे लौट करके आइए, जहाँ आपने छोड़ा था वहीं से आप शुरू कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है, जहाँ वो लचीलेपन के साथ आगे बढ़ रही है, जहाँ वो अकेडमिक बैंक के साथ, जो क्रेडिट बैंक है उसके साथ आगे बढ़ रही है, ये शोध और अनुसंधान की दिशा में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पीछे के समय जब मैं अपने संस्थानों की समीक्षा करता हूँ तो कई बार मुझको लगता है कि यदि विश्व रैंकिंग में क्यूएस रैंकिंग हो चाहे टेंथ रैंकिंग हो, ये कहाँ पर थोड़ा सा हम कमजोर पड़ रहे हैं। हमको थोड़ा सा लगता है कि अभी इस देश में हमारी ऐसी शोधात्मक संस्कृति की जरूरत है तेजी से आगे बढ़ने की। ये जो शोध की प्रवृत्ति और संस्कृति है, इसको और तेजी से सशक्त तरीके से आगे बढ़ाना की जरूरत है। और इसलिए जो इस नई शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कही है, वो प्रधानमंत्री जी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में हम शोध और अनुसंधान की दिशा में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। और ये तो अनुसंधान का युग है, मैं इस मतलब एक समय था जब देश की सीमाओं पर हम संकट से जूझ रहे थे और देश में खाद्यान्न का भी संकट था। ऐसे वक्त में हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। सीमाएं संकट में थी, खाद्यान्न का संकट चल रहा था, और इस नारे ने, जय जवान और जय किसान के नारे ने पूरे देश को एकजुट कर दिया था, एक साथ दिन खड़ा था, और इन दोनों चुनौतियों का देश ने मुकाबला किया था। उसके बाद जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी आए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में, तो उनके उनको महसूस हुआ कि विज्ञान को आगे लेकर के चलने की जरूरत है, आवश्यकता है, और उन्होंने जय विज्ञान का नारा दिया था। और उसी नारे का परिणाम था कि परमाणु परीक्षण करने के बाद पूरी दुनिया में हिंदुस्तान महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था दुनिया को। और उसके बाद जब वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो बहुत ही विजनरी हैं, बहुत ही मिशनरी हैं, और जिनके बारे में पूरी दुनिया ये जानती है, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये महसूस किया कि आप अनुसंधान की जरूरत है, हमारे पास बहुत कुछ है, हम यदि अपने अतीत को देखते हैं तो गौरवमयी देश है। इस देश को विश्व गुरु कहा गया, तपशिला नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय इस देश के अंदर थे, जहाँ ज्ञान का भंडार था, पूरी दुनिया के लोग ज्ञान विज्ञान अनुसंधान प्रौद्योगिकी सीखने के लिए यहाँ आते थे, सब कुछ तो हमारे पास था। जिसके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा अनुसंधान होना चाहिए, अतीत को वर्तमान से जोड़ना और वर्तमान को भविष्य के साथ नवाचार के साथ, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को नवाचार के साथ आगे बढ़ाते हुए दुनिया के शिखर पर पहुंचना, विश्व प्रतिस्पर्धा में हमको आगे आना है। और इसलिए अब जय अनुसंधान का नारा उन्होंने दिया है। अभी भी हम दुनिया के 127 विश्वविद्यालयों के साथ हम पारस्परिक अनुसंधान कर रहे हैं। हमने ज्ञान और ज्ञान प्लस के रूप में द ज्ञान दुनिया की फैकल्टी को हम अपने देश के अंदर बुलाते हैं। अब ज्ञान प्लस में जो ये हमारी फैकल्टी है, ये भी दुनिया को पढ़ाने के लिए जाएगी। हमने स्टडी इन इंडिया किया है और स्टे इन इंडिया किया है।
स्टडी इन इंडिया, मेरे भारत में आओ और पढ़ो। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि अभी 2018 से शुरू किया है और 50,000 इसी वर्ष में 50,000 रजिस्ट्रेशन होने की स्थिति है। जब विदेशी बच्चे हमारे देश में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, अभी 1,000 छात्र शोध और आसियान देशों के 1,000 छात्र अनुसंधान के लिए यहाँ आ रहे हैं, जो हमारे IIT में अनुसंधान करेंगे। हम इस क्षेत्र में चाहे वो स्पार्क हो, चाहे स्ट्राइड हो, चाहे इम्प्रिंट हो, चाहे इम्प्रेस हो, चाहे स्टार्स हो, विभिन्न क्षेत्रों में शोध की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और यदि ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन के बाद अनुसंधान के क्षेत्र में हम बहुत तेजी से आगे जाएंगे। जो हमने स्टे इन इंडिया की बात की है, ये भी बहुत ताकत देगा मेरे देश को। इसलिए ये नई शिक्षा नीति जो आई है वो स्टे इन इंडिया करेगी। अभी मेरे देश के लगभग 7.5 से लेकर 8 लाख छात्र विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। लगभग 1,00,000 से लेकर 1.5 लाख करोड़ तक का हर वर्ष पैसा मेरा विदेश में चला जाता है। मेरे देश का पैसा भी और प्रतिभा की पलायन करती है। जो प्रतिभा जाती है फिर लौट कर नहीं आती, वो वही उन देशों में अपना भविष्य तलाशती है और उन देशों को विकास की दिशा में, आपने देखा होगा हमारी पूरी क्रीम दुनिया की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। और भारत के महत्वपूर्ण योगदान में देगी वो प्रतिभा अपना योगदान। और इसलिए हमने स्टे इन इंडिया को कहा है, हमने कहा है कि यहाँ चाहे हम अपने संस्थाओं को ये विकसित कर रहे हैं, हम ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों को और पूरी ताकत दे रहे हैं, हम अपने IIT को, NIT को, ISR को बहुत दे रहे हैं, हमने IOE जो विशेष भी संस्थाएं जो विश्व रिकॉर्ड में विश्व की प्रतिस्पर्धा में शीर्ष पर जाएंगी, इस तरीके से 10 सरकारी और 10 गैर सरकारी ऐसे विश्वविद्यालयों को चुना है। हमने इस नई शिक्षा नीति के तहत 100 ऐसे विश्वविद्यालयों को, दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को अपने देश की धरती पर आमंत्रित किया है, ताकि वो हमारी ही शर्तों पर हमारे देश के अंदर आए। मेरा बच्चा, मेरा छात्र अभी देशों में भटकने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भी अपने सामर्थ्य बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो ये नई शिक्षा नीति आई है, ये अंतरराष्ट्रीय फलक पर उभर करके आई है। इसीलिए दुनिया के तमाम देश अब ये कह रहे हैं कि हम भारत की नई शिक्षा नीति की तरह अपने देश में भी शिक्षा नीति को लागू करेंगे, क्योंकि तमाम क्रांतिकारी परिवर्तनों के साथ ये शिक्षा नीति आपके हाथों में आई है। और इसमें मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमने इसे दिया क्या है, अभी लगातार छात्रों का दबाव है, जो विदेशों में जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया था वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, अब हम अपने देश में ही पढ़ना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि दुनिया की शीर्ष कंपनियों में अभी जो लीडरशिप दे रहे हैं और वो भी हमारे देश के हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल जैसे हो, उसमें जो CEO के पास पर है, दर्जनों दुनिया की शीर्ष कंपनियों का यदि नेतृत्व कर रहे हैं, तो मेरी धरती से पढ़ने वाला नौजवान उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे देश की शिक्षा में कोई कमी नहीं है, मेरे देश की शिक्षा समर्थ भी है, ताकतवर भी है। और अब जो ये नई शिक्षा नीति आ रही है, इसका जो ताकत मिलेगी नए भारत के निर्माण की परिकल्पना में, वो भारत जो भारत सशक्त भी होगा, श्रेष्ठ भी होगा। और जिनकी बात मैं कहता हूँ कि तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जिस देश के अंदर रहे हूँ, जहाँ पूरी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हूँ, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला वैसे विश्वविद्यालय थे जो इस देश को विश्व गुरु के रूप में जिन्होंने स्थापित किया था। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का कोई व्यक्ति, मेरे छात्र छात्राओं आप जानते हैं क्या तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला से पहले दुनिया में कोई विश्वविद्यालय था जो ये शिखर करता था? हमारे जो वैज्ञानिक थे, चाहे सद चिकित्सा का जनक सुश्रुत हो, चाहे आयुषोवेद आयुर्वेद की बात करने वाला चरक हो, चरक संहिता हो, और चाहे वो भास्कराचार्य हो, और चाहे वो आर्यभट्ट हो जो गणितज्ञ थे। यदि मैं एक तरफ से दूसरी तरफ लोगों का नाम लूं, ऐसे
जो हमारे वैज्ञानिक थे वो दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों में उनका नाम आता था। इसीलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो पीछे का था उसको नए अनुसंधान के साथ हमको नई ऊंचाइयों तक जाना है, पहुंचना है हमको। आपके सामने पूरा मैदान खाली है और इसलिए हम जहां प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि ऑनलाइन अभी जैसे संचालक महोदय बोल रहे थे कि ऑनलाइन जो है जो परीक्षा है, ऑनलाइन क्लासेज है, ये शुरू हुई है। और मैं सोचता हूँ कि ये दुनिया का इतना बड़ा वैभवशाली, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जिसमें 1000 से अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज है, 15,00,000 से अधिक स्कूल है, 1,09,00,000 से अधिक अध्यापक हैं, और जितनी कुल अमेरिका की जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा 33 करोड़ छात्र छात्राएं हैं। ये इस देश का वैभव है। और इसलिए निश्चित रूप में मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से नई शिक्षा नीति इन सबको एक साथ एकजुट करके आगे बढ़ने के सामर्थ्य के साथ आइए, हम लोग नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का भी गठन करेंगे, जहाँ वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ वन क्लास वन चैनल होगा, हम स्वयं स्वयं प्रभा दीक्षा ई पाठशाला एनडीएल के माध्यम से ऑनलाइन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा को। और निश्चित रूप में मैं समझता हूँ ये हमारा सौभाग्य होगा, क्योंकि स्वयं और स्वयं प्रभा के तो जो स्वयं प्रभा के 32 चैनल है, जो अंतिम छोर पर बैठा है मेरा बच्चा जिसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है, उस तक भी उनको पहुंचना है, उस तक भी शिक्षा को जाना है। और निश्चित रूप में हम लेकर के जाएंगे, एक युद्ध स्तर पर इस काम को करेंगे। अभी जो एक आयोग बनेगा, लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि एक आयोग ऐसा शिक्षा का आयोग खोलेगा जिसके तहत एक छतरी के नीचे 3-4 काउंसिल होंगी, एक एक पाठ्यक्रम को देखेगा, दूसरा प्रशासन को देखेगा, तीसरा मूल्यांकन को देखेगा, और चौथा उसकी वित्तीय व्यवस्थाओं को देखेगा, अनुदान को देखेगा, और ये एक छत के नीचे होंगे। तो जिस तरीके से ये जो शिक्षा नीति जो दुनिया की सबसे बड़ी विमर्श वाली नीति है और जिसको देश के 99% लोगों ने एक साथ सराहा है, और जिसके लिए दुनिया आप कहती है कि नहीं भारत की जो शिक्षा नीति है वो हमको भी अपने देश में लागू करना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से शिक्षा नीति को एक आयाम मिला, हम तेजी से उसकी क्रियान्वित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। 5 सितंबर को अध्यापक दिवस है, ये आचार्य देवो भव इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि यदि आचार्य योग्य है तो शिष्यों को वो कहीं ना कहीं उसकी संपूर्ण क्षमताओं को बाहर निकल करके एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है जो राष्ट्र विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। और आज फिर वही समय हमारे लिए आया है, वही समय हमारे लिए आया है जब हमने अपने अतीत गौरव को लेकर के और भविष्य को ताकत के साथ ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। मेरे इस अवसर पर जबकि बहुत सारे भवनों का अभी उद्घाटन आपने किया है, मैं ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के कुलपति को, क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय की ध्रुवी कुलपति होता है, कुलाधिपति जी हमारे संरक्षक के रूप में काम देख रहे हैं, उनका मार्गदर्शन मिल रहा होगा, लेकिन कुलपति रात और दिन धुरी की तरह बना करके उसकी गुणवत्ता को, उसके अनुशासन को, जिस छात्र के अंदर जो प्रतिभा है उसको निखार करके बाहर लाने की कला को, मिशन को, विजन को आगे बढ़ा सकता है। और मैं समझता हूँ किसकी जरूरत है, आज इसी की जरूरत है। मेरी प्रतिभा, मेरे छात्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, मेरे छात्रों में संघर्षशीलता की कमी नहीं है, मेरे छात्रों में विजन की कमी नहीं है, मेरे छात्रों में मिशन की कमी नहीं है, इसकी जरूरत है, इसके समन्वय की जरूरत है। और वो वक्त आ गया जो हम इसका समन्वय करेंगे और दुनिया को ये दिखाएंगे कि हम में ताकत है, हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेंगे ताकि पूरा विश्व के फलक पर मेरा भारत एक बार विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ और एक बार फिर आपको ढेर सारी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವ
ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಪೋಖ್ರಿಯಾಲ್ ನಿಶಾಂಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಪೋಖ್ರಿಯಾಲ್ ನಿಶಾಂಕ್ ಜಿ, ಆನರಬಲ್ ಡಿಯರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಶ್ರೀ ಜಿ, ಆನರಬಲ್ ಡಿಯರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಶ್ರೀ ಕಾಗೋಳ್ ಜಿ, ಆನರಬಲ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್, ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಕುಬಾ, ಆನರಬಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಆರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸಿವ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ಆರ್ ನಾಯ್ಕ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, members of the faculty, students and friends. It gives me immense pleasure to thank our distinguished CPS, Sri Ramesh Kalji, honorable teacher, for having in a new building in water tank at Central University Karnataka, in the august presence of Sri Sanjay Dhotre, the state ministry of education. As you are aware, Karnataka has spread across 60 acres of lush green land at Kalaburgi. Sri Pokhriyal ji, being a writer, journalist and an administrator, is of the firm opinion that a well-qualified and highly motivated faculty is critical to the quality of higher education institutions in creating Atmanirbhar Bharat, which is the most cherished dream of Sri Narendra Modi ji, or our honorable Prime Minister. I am certain that India will be surely considered as a knowledge society at a global level soon, sir, under your able guidance. Central University of Karnataka, with its territorial jurisdiction all over Karnataka, was established in the year 2009. It has committed to achieve and maintain highest academic excellence to emerge as a dream educational research institution. It is headquartered in historic social reform is moving and all great to be saved in our the infrastructure here created here is considered as the best among all central universities due to the untiring efforts the vice chancellor of operation Maitreya and his team which made the central funding to shift from project mode. They have entered into several MOUs for collaboration with institutions of eminence in India and abroad to bring quality and hands-on training to the younger generation. We believe in the words of W.B. Yeats. I quote him, education is not filling of a pot but the lighting of a fire. Your fire means the knowledge, innovation and social commitment. We always believe that education are continuous processes where technology used and developed among the students. Competency is a term which includes knowledge, skills and attitude. In this background, there is a present emphasis on Make in India, which includes not just manufacturing, manufacturing from the level of education. We are trying to establish the center of excellence in microwave report on it in the state capital city of Bangalore. With academic support of national agencies like ISRO, DRDO and the Bangalore University, the government of Karnataka was kind enough to provide 10 acres of Bangalore land in the campus of Bangalore for the establishment of
Chandler, among the branches of Central University of India. I would like to express my deep gratitude to Dr. Ashwath Narayan, Deputy Chief Minister and Minister for Higher Education, Karnataka, and Dr. K.R. Venugopal, Vice Chancellor, Bangalore University, for the interest they have shown, the support they have given in getting the required land for the establishment of the center in the midst of the Bangalore University campus. We are extremely happy to state the Government of India has also encouraged to take in this regard. Objective of the Center of Excellence in Microwave, Wireless and Photonics are to build technology capability and infrastructure, development of skilled manpower, establishment of startup ecosystem, high-end research in the domains of microwave, wireless and photonics. These skills are absolutely essential to the indigenous development of technology useful in critical areas of defense, space, aviation communication, as well as in public communication applications such as 5G and beyond 5G, and certainly help in achieving Atmanirbhar Bharat. The main focus of this sector of excellence in wireless, microwave and photonics is to create a premier research center. This center is aimed to produce high quality trained engineers and researchers so as to boost the significant intellectual property. In addition to this, it is also aimed to design state-of-the-art systems to train and update working engineers, incubate and support industry with appropriate ecosystem and to help the country in its vision in long-term plan. Microwave, wireless, photonics make their presence felt in our life almost everywhere, including mobile phones, security systems, satellite medicine, and even in the kitchen. For electronics. The market for wireless is expanding, and this in turn is constantly driving the demand for a plethora of radio frequency products with increased functionality and integration. Recent years have seen rapid changes in the as well as technology. This trend is continuing to use microwave and frequency in arena smaller size components, larger bandwidth, which is the 5G and beyond, derived primarily by the use of millimetric wave spectrum. Global demand for microwave components is expected to reach 45 billion by 2025. The uniqueness of this center of excellence is to take a holistic view of this large requirement of very specialized knowledge skills and blend it with continuing education cells and supportive industrial ecosystem. This unique center of excellence aims to create a vibrant and conducive atmosphere to develop the nurtures industry-oriented product. The center will be structured under the following three broad constituents. Research and development is the first one. It comprises the core academic innovation research projects and funded research by institutions. Significant place as a center will play as consultancy partner to numerous industries in the region in the coming days. Our next priority is education. Our aim is to create a temple of Goddess Saraswati by creating the platform for the students of PhDs, MS, MTech, etc. We have plans to run both full-time and part-time courses in collaboration with universities abroad for exchange programs. In addition to this, we'll also have specialized certification courses on industry-oriented skill development, first-time customized courses for industry and faculty development programs. Actions. The third objective is the most significant for the advancement of the country in the field of technology. It aims to create industrial ecosystem by establishing incubation center, design center, software design center, centralized test and measurement facility and fabrication facility. I would like to conclude my presidential address with a quote of Rabindranath Tagore, the eminent poet of India. I quote him, "The inner spirit of India is calling us to establish this land, great center, where all the intellectual forces will gather for the purpose of creation and all offer the resources of knowledge to unite the perfect talent." धन्यवाद कुलाधिपति महोदय, माननीय प्रोफेसर किनार शेट्टी जी। अब मैं
हमारे विश्वविद्यालय में और गैर शिक्षण बिरादरी, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, महिलाओं और सज्जनों, कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में भवनों के उद्घाटन के इस ऑनलाइन वीडियो सम्मेलन के दौरान धन्यवाद प्रस्तावित करने में मुझे अत्यंत हर्षोल्लास हो रहा है। सबसे पहले मैं हमारे सम्मानित शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। माननीय महोदय, आप पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों और परिवर्तनों के पीछे की ताकत हैं। आपने हमारे देश भारत को ऐतिहासिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ आगे बढ़ाया है और एक महत्वपूर्ण सुझाव आपके नेतृत्व वाले मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्री से शिक्षा मंत्रालय में बदलना है। जैसा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हूँ, मैं ये शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भविष्य के शैक्षणिक परिदृश्य के बारे में बहुत उत्सुक और आशावादी हूँ, खासकर उच्च स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को लेकर। आप बड़ी संख्या में किताब प्रकाशन करने वाले एक राजनीतिक नेता हैं। आप मूल रूप में एक शिक्षाविद हैं जिनके काम का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। आप शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर महामारी प्रभावित युग में हमें शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन के नवीन तरीकों से आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी उस समय जब संपूर्ण जीवन में एक ठहराव सा आ गया है। महोदय, हम आपका बहुमूल्य समय निकालने आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमेशा से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम श्री संजय धोत्रे जी, जो कि व्यवसाय से न सिर्फ एक इंजीनियर और व्यापारी हैं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे नेता भी हैं, पर आपने शिक्षा राज्य मंत्री के नाते इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने में सहमति दी है और हमें समय समय पर निर्देशित किया है। धन्यवाद महोदय। कर्नाटका के डिप्टी सीएम और कलबुर्गी जिला के प्रभारी मंत्री श्री गोविंद कारजोल जी, हम मानव संसाधन के से संबंधित बात करते हैं तो आपका ख्याल आता है। मैंने ये देखा था जब आप विधानसभा में कलबुर्गी जिले के की चिंताओं को दूर करने के लिए ऑल पार्टी विधायक कमेटी विधायक की मीटिंग बुलाई थी, तो आपने सभी प्रतिनिधियों से बहुत ही प्रेम से व्यवहार किया था और समस्याओं का निवारण करने की कोशिश। ಜನಗಳ ವಿವರ ಹೇಗಿದೆ, ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ಹಾಗೆಯೇ ವಿವಿಧ ಕ್ರಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ D7 ಇಂದ D23 ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾಂಗಣಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎರಡು ಒಬಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಪೋಖ್ರಿಯಾಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Thank you.
ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾ ಕೋರ್ಸಿಗೆ. Level 3, the topmost level, level 2, and all the science departments, we don't have level 1 support.
has given second level support and education to the School of Life Sciences. And similarly, we have recognized Advanced Center for Research and Higher Education, supported by the DRDO, is located on our campus and that is running in the third phase with the wonderful support from DRDO. আমরা ডিজিটালে দেখ কিছু দেখি না সেটা পুরো কাটবো আরে কোন জান এই বাকি মানে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রিসার্চ মানে আজকাল মানে কি এই ফ্যাশন হয়ে গেছে বাট কিউকি আমি খুবই সোচতাম কি I have 5,000 students.